स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करें सुज़लोन एनर्जी के बारे में। पांच मिनट पहले अब तक की सबसे बड़ी खबर है, कल क्वार्टर रिजल्ट में होगा धमाका, कल से रोज अपर सर्किट। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास में सुज़लोन एनर्जी का एक भी यूनिट है ना, ये वीडियो ओनली आपके लिए। डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों शेयर की डिटेल ले लेते हैं थोड़ी सी, एक बार 5 सेकंड की फिर बात करते हैं। देखो 8.35 रुपये का आज हाई बनाया, 8.15 रुपये का लो बनाया, 8.25 रुपये में क्लोजिंग दिया, ध्यान रखना। और 13.10 रुपये से लगातार गिर रहा है। और यहाँ पर अगर एडवांस चार्ट की बात करें ना, एडवांस चार्ट क्या बोल रहा है, देखो ये शेयर साइडवेज जोन होता है, ऊपर जाता है फिर गिरता है, फिर ऊपर जाता है फिर गिरता है, फिर ऊपर जाता है फिर गिरता है, और अब देखो ऊपर फिर गिरा, अब इसमें ऊपर, मतलब यही हो रहा है काफ़ी टाइम से। जो चार्ट है, जो एडवांस चार्ट, यही बोल रहा है कि तूफानी तेजी है ऑलरेडी भाई। 13 रुपये का शेयर 8 रुपये में मिल रहा है, मतलब डिस्काउंट मिल रहा है। तो जिनके पास में ये स्टॉक है तो भाई आपको बने रहना, क्वार्टर रिजल्ट की न्यूज भी आ गई है। यहाँ पे देखो सपोर्ट है 7.98 रुपये, 7.82 रुपये, 7.58 रुपये, ऊपर के रजिस्ट्रेशन है इसके 8.38 रुपये, 8.62 रुपये और 8.78 रुपये। देखो इस शेयर ने बहुत ज़्यादा रिटर्न निकाल के दिया है। आज मार्केट में 8 करोड़ शेयर है आए थे, कल 13 करोड़ है, यानी कि जितना मार्केट में माल आ रहा है 50-60% माल लोग घर पे लेके जा रहे हैं, 90% लोग बोल रहे हैं बाय करो, 10% लोग बोल रहे हैं होल्ड करो, सभी लोग ये। अब देखो दोस्तों यहाँ पर है आज के कामकाज की भी बात कर लेते हैं कि आज क्या हुआ, लेकिन उससे पहले इंडिकेटर देख लेते हैं। यहाँ पर देखो वीकनेस कंपनी में 6 है, स्टोनिंग 7 है और अपोजिटिव है इसमें 10 है हो गई है। और यहाँ पर और इंडिकेटर की बात करें, देखो पॉजिटिव 12 है और नेगेटिव इसमें 10 है। क्वार्टर रिजल्ट इसका 10 नवंबर को, यानी कि कॉल सबसे बड़ा धमाका, क्योंकि क्वार्टर 1 रिजल्ट में है कंपनी ने बहुत बड़ा धमाका किया था दोस्तों, और क्वार्टर 2 रिजल्ट में सब कुछ फाड़ने वाली है। तो जिनके पास में है भैया टाइटली होल्ड कर लो, क्योंकि कल ही है वो जब सबसे बड़ा धमाका होगा। और यहाँ पे देखो बेरिस 5 है, बुलिस 11 है, मतलब शेयर है जो बुलिस आ रहा है धीरे धीरे, और क्वार्टर 1 रिजल्ट की तरह अगर धमाका हो गया ना इस स्टॉक में तो भैया रुकने वाला नहीं है स्टॉक। और यहाँ पर देखो कंपनी है, जो कंपनी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अब आपको क्या करना है। देखो दोस्तों आपके पास में स्टॉक है, जरूर कहूँगा एक बार टाइटली आप होल्ड करके चलना है, क्योंकि अब इसमें देखो आज अपर सर्किट में इसने क्लोजिंग दिया, मतलब 10 पैसे के, और कल इसका क्वार्टर रिजल्ट है, क्वार्टर 1 रिजल्ट बहुत ज़्यादा शानदार आया था, सब कुछ फाड़ दिया था, वैसे क्वार्टर 2 रिजल्ट भी शानदार आएगा, सब कुछ फाड़ देगा, यह ध्यान रखना। और यहाँ पर बड़े बड़े टारगेट, देखो सुज़लोन एनर्जी लॉन्ग टाइम का है, क्योंकि रेनुअल एनर्जी पावर वाले ट्रबो वाइन सोलर एनर्जी ये है ना, ई व्हीकल वगैरह, ये लॉन्ग टाइम के लिए। सुज़लोन को देखो फंड रेसिंग भी की थी आपको पता है, और सरकार वगैरह सब इनकी हेल्प कर रही है, इंडिया की सरकार, विदेश की, फॉरेन ग्लोबल, यानी कि फंड वगैरह इनको राहत मिल रही है, क्योंकि ये आने इसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, मतलब आने वाले टाइम में इन्हीं का राज होगा तो सभी है इसकी हेल्प कर रहे हैं। तो कल क्वार्टर रिजल्ट है सुज़लोन का, 10 तारीख को एक नया इतिहास लिखेगा, अगर क्वार्टर रिजल्ट शानदार आ जाता है ना तो 52.13 रुपये को ये स्टॉक है पार कर देगा। तो इंडिकेटर यही बोल रहे हैं, सेल्स वगैरह भी हो रही है कि क्वार्टर 1 रिजल्ट शानदार आया था, वैसे क्वार्टर 2 रिजल्ट में सब कुछ फाड़ देगा। तो भैया जिनके पास में कल से लोटरी लग जाएगी, आई होप सारी बात समझ गए होंगे दोस्तों, थैंक यू।